नमस्कार साथियों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका डिमांडिंग तेली पर। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के छोटे से गांव की रहने वाली सानिया मिर्ज़ा ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। दोस्तों, सानिया देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनी है जी। दोस्तों, 27 को इनकी ज्वाइनिंग भी है। दोस्तों, आइए सुनते हैं सानिया की कहानी, सानिया की जुबानी। आपने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण किया है, किस तरीके से आपका संघर्ष रहा है, किस तरीके से आपने मेहनत किया है? जी, मैंने एनडीए 149th कोर्स के लिए इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और मैं फाइनली इसमें सेलेक्ट हो गई हूँ। 27th ऑफ दिसंबर को मैं एनडीए ज्वाइनिंग करने जा रही हूँ। बात आती है मेरी स्ट्रगल की, तो मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो यहीं विलेज से की है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं साइंस स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा रुझान रखती थी और बचपन में मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। तो उसके बाद मेरे विलेज में जो है वो साइंस स्ट्रीम वॉज नो मोर फर्दर, सो मैंने आगे की तरफ मूव किया और मैं सिटी में मैंने एडमिशन लिया 11th में। मैं अपने स्कूल में स्कूल टॉप किया था और अपनी 12th की एग्जामिनेशन में बोर्ड्स में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप की हूँ अपने बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। और उसके बाद मैं अवनी चतुर्वेदी, जो कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी हैं, वो हमारे इंडिया की पहली फाइटर पायलट है, उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ मैं। इंस्पिरेशन मतलब जब मुझे पता चला कि वो इंडिया की पहली फ़ाइटर पायलट है, फिर भी वो 2015 में कमीशन हुई हैं, और जब मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ जब मैं इस चीज़ को जानी कि लड़कियां जो है 2015 से फ़ाइटर स्ट्रीम में इन्वॉल्व नहीं की जाती थी, कमीशन नहीं होती थी, तो मुझे एक पैशन आया कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है जो जो आज की गर्ल कम्युनिटी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करे। तो वहाँ से मैंने ये सपना देखा था और फिर एनडीए की वैकेंसीज आई। 19 सीट्स में से 2 सीट्स फ्लाइंग के लिए हैं, जिसमें मेरा दूसरा पोजीशन है, और मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं फ्लाइंग के लिए सेलेक्टेड हुई। चाहती थी कि लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, जो यहाँ की स्पेशली गर्ल कम्युनिटी है सोसाइटी की, उसको मैं हमेशा से चाहती थी कि हाँ, लड़कियाँ जो है वो पढ़ लिखें। जैसा कि हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं अपना सारा पैसा उनकी डाउरी में लगा उनकी आगे चल के मैरिज कर देते हैं। यहाँ लड़कियाँ हैं जो बहुत कम लड़कियाँ हैं जो बीएससी करती हैं, बीटेक कर रही हैं, जनरली लड़की 12th करती हैं, बीए करती हैं, दैट इज़ इट। तो ये मेरा एक पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरी मदर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरे फादर का बहुत सपोर्ट रहा है कि हाँ बेटा, हम आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वी विल सपोर्ट यू। तो उसी सपोर्ट से मैं कर पाई और काफ़ी खुशी है इस बात की कि मैं करने जा रही हूँ जो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है। जैसे अवनी चतुर्वेदी से मैं इंस्पायर होती हूँ, मे बी परहैप्स फ्यूचर में मुझसे काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे।